आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं पोको के M6 5G डिवाइस के अंदर आपने फोन के अंदर वॉलपेपर को चेंज कैसे करेंगे। गाइस अगर एक ही बाय डिफॉल्ट वॉलपेपर एक्सेस कर रहे हो ना तो बोर हो जाता, थोड़ा सा बोरिंग लगता है। तो अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं, न्यू वॉलपेपर लगाना चाहते हैं तो इजिली लगा सकते हैं। बेल चलो डेमो करते हैं और आपको दिखाते हैं फोन के अंदर वॉलपेपर्स को चेंज कैसे करते हैं। गाइज हमें वॉलपेपर्स को चेंज करने के 2 वे मिलते हैं। आप चाहे तो थीम एप्लीकेशन को फॉलो कर सकते हो, इवन अगर आप चाहें तो सेटिंग से भी डायरेक्टली वॉलपेपर्स को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए सेटिंग को ओपन मैंने ऑलरेडी करा है, स्क्रॉल करके नीचे आना, इसमें एक शॉर्टकटली पहले से दिया गया है वॉलपेपर का ऑप्शन, इसको आप प्रेस करेंगे ये यहां पर आ जाएगा। एंड आप देख सकते हो इतने सारे बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन है, लेकिन जो सिस्टम डिफॉल्ट वॉलपेपर है उसके लिए नीचे आना, सिस्टम वॉलपेपर्स पे आएंगे, इसको प्रेस करना है। एंड यहाँ पर आपको बहुत सारी कैटेगरी है, नेचर कैटेगरी है, मोल्टेन कैटेगरी, ग्लास का ऑप्शन है, बबल्स की कैटेगरीज है, आप इन सभी को इस तरह से राइट में स्क्रॉल करके इसके देख सकते हैं। बहुत सारे कलर्स जनरेटेड है और जो आपको पसंद आता है कलर्स आप उसको जस्ट प्रेस करना है इस तरह से, देन अप्लाई बटन आ जाएगा। सिंपल अप्लाई करेंगे तो आपके फोन के अंदर जो है वॉलपेपर्स इजिली चेंज हो जाएंगे। सो आई थिंक समझ गए होंगे वॉलपेपर्स को चेंज कैसे करना था। और ऐसे बहुत सारे थर्ड पार्टी एप्स भी प्ले स्टोर के अंदर रन कर रही है, जिससे आप जो यस्टरडे हाईएस्ट क्वालिटी के अंदर अपने फोन के अंदर वॉलपेपर्स को लगा सकते हो। वॉलपेपर्स एक्चुअली बहुत ही यूनिक काम करता है आपकी स्क्रीन, आपके डिस्प्ले को एक अलग लुक देने में, तो वॉलपेपर का भी कहीं ना कहीं रोल है। अगर वैसे नॉर्मली वॉलपेपर एक्सेस करते हो थोड़ा सा बोरिंग लगता है फोन, तो इसलिए अगर आप चाहें तो वॉलपेपर्स को चेंज कर सकते हैं फोन के अंदर।